महाराष्ट्र के रायगढ़ के पास दीवा सावंतवाड़ी पैसेंजर ट्रेन के चार डिब्बे पटरी से उतरे। रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 57 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए रोहा के अस्पताल में भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि यह हादसा सुबह करीब 10 बजे निधि गांव के पास एक सुरंग में हुआ जब पैसेंजर ट्रेन का इंजन और इसके चार डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे की वजह से कोंकण रूट को बंद कर दिया गया है। रेलवे ने घटना में मारे गए लोगों के आश्रितों को 2-2 लाख, गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 50,000 रुपए और मामूली तौर पर घायल हुए लोगों को 10,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक चुनावी रैली में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी का मकसद केवल सत्ता हासिल करना है। उन्होंने कहा कि मोदी देश को झूठे सपने दिखा रहे हैं। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बांकुरा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कामकाज की आलोचना की। उन्होंने ममता बनर्जी पर शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक चुनावी रैली में भाजपा और आरएसएस पर देश को बांटने की साजिश करने का आरोप लगाया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि सत्ता में आने के बाद अमेठी को विश्व स्तरीय शहर बनाया जाएगा। अमेठी से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर झूठे वादे कर अमेठी की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के कपाट आज सुबह 6 बजे से भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पहले जहां केदारनाथ धाम में लगभग 15,000 से ज्यादा लोग रुक सकते थे, वहीं अब सिर्फ 150 लोगों के ही रुकने का इंतजाम हो पाया है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज एकमात्र मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बनाम हैदराबाद सनराइजर्स के बीच होगा। बेंगलोर की टीम ने अब तक 5 मैच खेले हैं जिसमें टीम को 3 में हार जबकि केवल 2 में जीत मिली है।